This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरा अथवा सोमवासरा मार्गशीर्ष शुद्ध द्वादशी दिनांक 15 दिसंबर 2021 चरक मीमांसा अध्याय चार प्रमाण विचार शंखं चक्रं जलौकां दधतमृत घटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरुत्यां शुक परिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालांबोधोज्ज्वलांगं कटितट विलसत् चारुपीतांबराढ्यं वंदे धन्वंतरिंतं निखिल गदवन प्रौढदावाग्निनीलं प्रौढदावाग्निनीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिता अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां आयुर्वेदरतं वंदे माधवाख्यं महागुरुं आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यप्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मात्येव च अध्यापको विषत्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयन्नु प्रयत्नामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति 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 मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना ठीक है ओके आयुषा क्षयम अरिष्टे ही तो इसके लिए मैं बता रहा था कि अरिष्ट लक्षणों से आयुष का क्षय ये समझ लेना चाहिए और रिष्ट लक्षण कभी कभी थोड़ी ही देर के लिए होते हैं और फिर पता नहीं चलता तो जैसे कि मैंने ल्यूकेमिया की बात कही थी कि सुबह मैंने मरीज देखा और ये उसका जीवन आज दोपहर में खत्म होगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था लेकिन दोपहर में जीवन समाप्त हो गया तो ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछा तो उसने कहा कि ठीक है प्लास्टिक क्राइसिस होता है और इस प्रकार के ल्यूकेमिया के मरीज मरते हैं उसमें कोई ज्यादा आश्चर्यचकित होने की इस प्रकार की बात नहीं है तो ये एक्सपीरियंस का नतीजा इस प्रकार का है और खास करके पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह ऐसे अगर कुछ होते हैं तो सडन डेथ होती है तो उसके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा ताकि हम लोगों को सजग कर सके और बता सके कि ऐसा हो सकता है नहीं हुआ तो अच्छा है हुआ तो हमें दोष नहीं लगेगा कि हमने पहले से ही ये बताया तो ये बात आयुषा क्षय वरिष्ठ से ही ये बात समझ लेनी चाहिए इसमें भी काफी मुद्दे ऐसे हैं कि मरणम चापे तन्नास्ते यन्नारिष्ट पुरस्सरम जिसके पहले अरिष्ट नहीं हुए हैं वो मरण ही नहीं है ऐसे चरकाचार्य बताया है अब द्रोण परिष्टे मरणम ब्राह्मण स्थित किला मलय ही वार्यते ये भी बात कही कि एक बार अरिष्ट लक्षण दिखने पर निश्चित रूप से मृत्यु आती है लेकिन
पवित्र ब्राह्मणों को ब्राह्मणों द्वारा उसका निराकरण भी किया जा सकता है, तो ये भी एक अलग इस प्रकार की बात है। और फिर इसके बारे में पता लगाना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। एक अण्णा साहेब पटवर्धन के पोते थ्रोट कैंसर हुआ था और बिल्कुल अंतिम अवस्था में थे। तो अण्णा साहेब पटवर्धन उनके सपने में आए और बता दिया कि तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओ। और फिर उसी दिन से उनको आराम हुआ और वो बच गए, कैंसर से सुधर गए पूरी तरीके से। मुझे पता चला था कि ये थ्रोट कैंसर से रिकवर हुए हैं, मैं सेकंड ईयर में था, तो मेरे रिश्तेदारों के लिए मैं उनके मिलने के लिए गया, तो उन्होंने बताया कि मैंने बहुत कुछ किया। एक कुमारी का स्वरस लेकर गोमूत्र और ये बहुत सारी बात की। तो मैंने कहा इतना आपने तो बहुत कुछ किया है, तो किससे आपको फायदा हुआ, आपके क्या राय है? तो उन्होंने बता दिया कि वास्तव में ये सब करने के बावजूद भी मेरी परिस्थिति बिगड़ी जा रही थी। लेकिन मेरे दादाजी मेरे सपने में आए, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और तब से मैं ठीक होने लगा। तो ये भी बात हो सकती है कि इस प्रकार से अगर किसी का वरदान मिल जाए तो भी लोग ठीक होते हैं इस प्रकार से। तो इन सभी के बारे में बोलना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो। उपस्थित श्रेयस्त्वं कल्याणाभिनिवेशे, कल्याणाभिनिवेश हो गया, कल्याण में मन लग गया, तो समझ लेना चाहिए कि अभी उनका कल्याण जल्द ही होने वाला। उपस्थित श्रेयस्त्व इस प्रकार का। तो ये थोड़ी अजीब इस प्रकार की बात है कि हित के बारे में सोचो, कल्याण के बारे में सोचो, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। मुझे ठीक नहीं लग रहा और मेरी परिस्थिति बिगड़ी जा रही है, ऐसी स्थिति है, तो अगर मेरा मन, मेरा हित किसमें है, मेरा कल्याण किसमें है, इसमें लग जाए तो फिर भी बेहतर होता है। अशोक भानु सर का यह अनुभव रहा है 2-3 बार, ये बहुत ही एडवांस कैंसर के केसेस थे और मैंने उनको योग और काउंसलिंग के लिए भेजा था। तो शुरू में उन्होंने पॉजिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन जब पता चला कि कुछ होने वाला नहीं है तो उन्होंने पूरा विवरण ही बदल दिया और बोले कि देखो अब डेथ इनेविटेबल है, मृत्यु तो आने ही वाली है, तो अगला जन्म मेरा कैसा होगा इसके बारे में सोचो, उसमें तुम्हारा भला है, उसमें तुम्हारा कल्याण है। तो रिश्तेदार वो सुन रहे थे, वो बोला अरे आप क्या कर रहे हैं, हमें तो उसको डिप्रेशन से बाहर निकालना है और इस प्रकार की मृत्यु की बातें नहीं करनी है। फिर भी गानू सर ने कहा नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो बराबर है, अभी के हालात में यही उसके लिए ठीक है इस प्रकार से। दूसरे दिन वो रुग्ण बड़ा आश्वस्त था, शांत हो गया था, और फिर तीसरे दिन मौत हो गई। तो मेरा कल्याण किसमें है ये अगर मैं सोचूं, मुझे ये दुख हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, या मुझे मौत आने वाली है, तो मैं कैसे करूं, मेरे घर वालों का क्या होगा वगैरह वगैरह, इस प्रकार के ही विचार होते रहते हैं। लेकिन मेरा कल्याण किसमें है, बोले इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में ही सही, लेकिन मेरा कल्याण किसमें है ये मुझे सोचना है। तो ये अगर बात होती है तो लोग डरते नहीं है मृत्यु से सामना करने के लिए।
मैंने मेरे कैंसर के किताब में दो प्रकरण लिखे हैं, सामना मानसिक तनाव नैराश्य से, और दूसरा जो है फेसिंग डेथ, मृत्यु सामोले था। तो ये सुझाव मुझे अमेरिका से मिला था। शुरू में मैंने भी सोचा था कि मृत्यु के बारे में लिखना अशुभ माना जाता है, तो नहीं लिखेंगे इस प्रकार से। फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये लोगों की जरूरत है। और अंतिम अवस्था के मैंने काफी मरीज देखे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका कल्याण किसमें है ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का हो जाता। हमारे एक 18 बरस की लड़की थी, ऑस्टियोसारकोमा था, और वो वुंड ओपन हो गई, बड़ा घाव था, उसमें मैगेट्स हुए, वो पूरे शरीर में फैल गया। ये बहुत मिजरेबल इस प्रकार का था। और हम सभी को मालूम था कि ये पिछले जन्म से कुछ आ रहा है, और ये भूल रही है, दैव है ये, इस प्रकार बैड डेस्टिनी। लेकिन करें क्या। तो उनके माता पिता ने बहुत सारी जगह कोशिश की, ज्योतिषों से सलाह ली, सभी का कहना था नहीं वो सुधर जाएगी, मुझे तो नहीं दिख रहा था कि ये सुधरेगी नहीं इस प्रकार से। तो अंतिमतः डेथ हो गई। और जब मैं डेथ डिक्लेरेशन करने के लिए गया, तो माता पिता और उसका छोटा भाई, वो एक्सेप्ट करने के लिए ही तैयार नहीं था कि इसकी मृत्यु हो गई है। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन इस प्रकार की होती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि कल्याण होना जरूरी है। मैं जो प्रार्थना करता हूँ सुबह हर रोज क्लिनिक शुरू करने से पहले, उसमें शंकन चक्रण जलोकाम वगैरह तो होता है, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सर्वेषां कल्याणे वे निवेशुस्तु, ये भी मैं एक प्रार्थना का हिस्सा करता हूँ। तो सभी का कल्याण में अभिनिवेश हो, जो भी मरीज है, जो भी उनके रिश्तेदार है, उन वो कल्याण के बारे में सोचेंगे कि मैंने इसी से लिया था। कि कल्याण में अगर अभिनिवेश होता है मेरे लिए, क्या कल्याणकारक है ये अगर मन में होता है, तो भटकने के चांसेस कम होते हैं, और फिर डिप्रेशन में चले जाना वगैरह वगैरह ये जो बातें होती है वो कम होती है। और अगर कल्याण में अभिनिवेश हो गया तो उपस्थित श्रेयस्त्र कल्याण नजदीक पहुंच जाता है। और अगर मृत्यु होती भी है तो उस आत्मा के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो कल्याण का मार्ग हो वो उसे मिल जाए। तो कल्याण भी निवेश होना जरूरी है, इसलिए सर्वेषां कल्याणे अभिनिवेश, ये मैं प्रार्थना करता हूँ सभी का कल्याण में अभिनिवेश हो इस प्रकार से। अमलम सत्वम अविकारेण, अविकार से सत्व अमल है, निर्दोष है, ये समझ लेना है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये जो बात गीता में कही गई है। तो किसी से भी हम अगर हिलेंगे नहीं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो चाहे लाभ हो अलाभ हो, जय हो पराजय हो, जो भी हो, इस प्रकार से विकार नहीं होना है। तो अगर विकार नहीं है तो सत्व अमल है, क्योंकि रज और तमो दोष से ये विकार होते रहते हैं, और वो अगर नहीं रहे तो समझ लेना चाहिए कि ये अमल सत्व इस प्रकार का है। कोलकर सर ने कहा था कि घटना घटना होती है, उससे सुख लेना दुख लेना हम पर निर्भर है, और सुख नहीं ले सके तो कम से कम दुख तो नहीं लेना।
अब ये उपदेश तो सही है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सभी जगह इस प्रकार से करना पॉसिबल होगा क्या? ये काफी मुश्किल है। जब सर का देहांत हुआ तो मुझे ये शब्द याद आए सर के, और कम से कम दुख तो नहीं लेना है, कैसे नहीं ले सकेंगे दुख? दुख होना स्वाभाविक है उस अवस्था में। तो इस अवस्था से उभर आना ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और इस स्थिति में भी अगर अवैकारिक स्थिति होती है तो समझ लेना है कि अमल सत्व इस प्रकार का है। उस समय में भी सर के बंधु वामन को लेकर बहुत शांत गंभीर थे, और सर की बॉडी जब वहां पे पहुंची तो उन्होंने सोच के रखा था कि बॉडी को कैसे रखना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये अवैकारिक मल सत्व होना, ये अमल सत्व का नमूना इस प्रकार। ग्रहण्यस्तु मृदु दारुणत्व स्वप्न दर्शनम अभिप्राय दृष्ट इष्ट सुख दुखा चातुर परिप्रश्ने नैव विद्या। तो ग्रहणी के बारे में मृदु दारुणत्व इस प्रकार का, या फिर स्वप्न दर्शन क्या क्या होते हैं, अभिप्राय उनकी इच्छा क्या है, दुष्ट इष्ट सुख दुख, द्वेष किसके बारे में, इष्ट किसके बारे में, सुख दुख क्या है, चातुर परिप्रश्ने नैव विद्या। तो रुग्णों को पूछकर ही इसके बारे में पता लगा। अभी एक 16-17 बरस की लड़की क्लिनिक में आई थी, कोई विकार गंभीर था मुझे अभी याद नहीं है। लेकिन वो और माँ अलग रहती थी, और पिता और भाई उसका वो अलग रहते थे। मुझे पहले लगा कि ये नौकरी की वजह से, और माँ भी सर्विस करती है। मुझे गृहिणी के मृदु दारुण के बारे में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि प्राकृतिक स्थिति नहीं है इस प्रकार से, और गृहिणी का जो मुहूर्त बदला मुहूर्त द्रवण, ये इस प्रकार के गृहिणी दुष्ट होती है तो वो बात होती है। तो मृदु से शायद इस प्रकार के दस्त होना, और दारुणत्व से शायद घनमल ज्यादा इस प्रकार का होना, ये होता होगा नॉर्मल जो है परिपिंडित पक्व इस प्रकार का, वो नहीं होना। तो इसके बारे में प्रश्न से पूछा जाए। और मल बद्धा हुआ आता है, नहीं आता है, मल में चिकनाहट ज्यादा रहती है, ये है क्या, दुर्गंध होती है क्या, बास होती है क्या, ये सब ग्रहणी के बारे में बताएंगे, तो इनके बारे में समझ लेना जरूरी। तो अभी तो ये लॉकडाउन की वजह से स्कूल में जाना भी कठिन होता हुआ था इसका, और घर पे ही ऑनलाइन स्कूल ज्वाइन करती थी, और पूरे दिन अकेले ही रहती थी, और ये अकेलापन उसको खा रहा है। तो फिर मैंने कहा कि तुम सभी फैमिली मेंबर्स इकट्ठा हो जाओ, एक हफ्ते के लिए कहीं जाकर रहो, और फिर मृत कोष्ठ क्रूर कोष्ठ से अभिप्रेत असावे पॉसिबल। फिर उसने व्यक्त किया कि मेरे बाप माँ बाप एक दूसरे से अलग रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से। तब मेरे ध्यान में उसका कारण आ गया, उसकी स्थिति का जो कारण है ये काफी प्रचलन में है, खास करके जब पति पत्नी में विवाद होते रहते हैं
और डिवोर्स तक बात चली जाती है। उसमें उनका क्या कहना सही हो नहीं हो ये एक अलग बात है, जो अपने अपने तरीके से सोचते रहते हैं, लेकिन बच्चों के बारे में भी हमें सोचना है ये भूल जाते हैं, और उनके ऊपर कितना गहरा असर होता होगा ये भी भूल जाते हैं। और बच्चों का बड़ा बेकार हाल इस प्रकार का इसमें हो जाता है, और खास करके टीनेजर्स में ये बहुत बड़ी समस्या है इस प्रकार की होती है। बहुत छोटे बच्चे में भी ये बात होती रहती है, और विदेशों में तो ये काफी प्रचलन है। एक तो शादियां होती नहीं है, शादी हुई तो भी टिकती नहीं है, डिवोर्स हो जाता है, और फिर लड़का हो या लड़की हो उसको कुछ दिन माँ के पास कुछ दिन पिता के पास, हफ्ते में 4 दिन में आप 3 दिन यहाँ, इस प्रकार का प्रचलन रहता है। और फिर इसका बड़ा सदमा बच्चों के मन पर होता रहता है। तो फिलहाल मैंने उस प्रकार की मरीज देखी, आधार भी गंभीर था, उसे अभी पता याद नहीं है इस प्रकार से। लेकिन इन्वेस्टिगेशन से भी नॉर्मल आ रहे थे, और वो सुधर तो नहीं रही थी इस प्रकार से। तो मैंने उसके पिता को कहा कि तुम अब इसके बारे में गहराई में जाकर सोचो, तुम्हारे आपस में जो मतभेद है वो कैसे मिटाएंगे इसके बारे में सोचो, ताकि इस लड़की पर इसका उतना बुरा असर न हो इस प्रकार से। तो ये एक बात इस प्रकार की है, सुख दुख दुष्ट इष्ट ये सभी आतुर प्रश्नों के द्वारा जरिए समझ लेने हैं। और कई दफा ऐसा होता है कि इसके बारे में जल्दी पता नहीं चलता कि इसके पीछे बहुत ही बड़ा सदमा इस प्रकार का है, बड़ी बहुत ही बड़ा कुछ हादसा हुआ है ये उसके पीछे है, इसके बारे में पता नहीं चलता। और बाद में कदाचित किसी दूसरे तरीके से इसके बारे में पता हो जाता है, और फिर के सुलझने लगती है। अब इसमें हम परिवर्तन ला सकेंगे नहीं ला सकेंगे एक अलग बात इस प्रकार की है, लेकिन मालूम तो होना चाहिए कि क्या कारण क्या है इस प्रकार से। और जब तक आप उस व्यक्ति के संपर्क में ज्यादा काल तक नहीं आते, तब तक ये बात पता नहीं चलती। मेरे पास एक माया कार्डियो मायोपैथी की केस थी, तकलीफ होती थी बीच बीच, दवाइयों से ठीक थी। उसके लड़के को लड़का हुआ, पोता हुआ, अमेरिका में था, तो अमेरिका जाइए नहीं गए इस प्रकार से संदेह की बात हुई। तो मैंने कहा कि आप जरूर जाइए, ये बहुत आनंद का प्रसंग है, वैसे तुम मेंटेन्ड हो तो जाइए जरूर इस प्रकार से। तो इन्होंने हिम्मत टटोली और अमेरिका में गए, और फिर 1-2 महीने हुए उसके बाद मुझे फोन आया कि हम जल्दी वापस आ रहे हैं पुणे में, आप पुणे में ही है। मैंने कहा हूँ, तो उसकी कंडीशन बहुत ही बिगड़ गई थी। पुणे में उनको अस्पताल में दाखिल किया, आईसीयू में रखा, कुछ फायदा नहीं हुआ। देखो अब फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ एक्चुअली, ऐसा तुम यहां जब जब गई थी तब तो अच्छी थी, इतना सारा बिगड़ कैसे गया? तो वही सास और बहू का मामला था कि लड़का वहां पे रहने लगा था, उसने नॉनवेज खाना आरंभ कर दिया था, और फिर एक ही फ्रिज था घर में, उसमें ये नॉनवेज रखते थे, ये तो बिल्कुल कट्टर शाकाहारी इस प्रकार के, तो उसको पसंद नहीं आया। तो बहू को उसने टोका, बहू ने कहा नहीं, हम तो ऐसे ही रखेंगे, हम तो खाएंगे। फिर झगड़ा शुरू हुआ।
और फिर परिणाम उसका, उसको कार्डियोमायोपैथी थी, वो बढ़ गई, उसकी तबीयत बिगड़ गई। फिर पुणे में आए, फिर भी कुछ नहीं हुआ और देहांत हो गया। तो विष्ट इष्ट ये जो यहाँ पे बात में, मुझे किस बारे में द्वेष है, मुझे क्या चाहिए, इसके बारे में मेरे कुछ संकल्प या कुछ विचार इस प्रकार के होते हैं। और फिर उसका परिणाम हम हमारे ऊपर कितना करवा ले, ये एक अलग बात इस प्रकार की। तो हमारा उद्दिष्ट क्या है, मकसद क्या है, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी इस प्रकार का। या अप्रेंटिस टू हिमालयन मास्टर, इसमें श्री एम को, इन्होंने, उनके जो गुरु, उन्होंने कहा कि या दरगाह कहाँ पे है वो मशहूर, याद आएगा, वहां पे जाओ और मैं तुम्हें वहां पे मिलूंगा इस प्रकार से। और उसका जो मदीना ने, अजमेर, मक्का मदीना, अजमेर, अजमेर भारत में, तो मैं तुम्हें वहां पे मिलूंगा। और वहां का जो प्रमुख मौलवी है वो हमें खाना खाने के लिए न्योता दे रहा है, तो हमें जाना है उसमें खाना खाने। तो ये श्री एम वहां पे पहुंचे, वो तो मुस्लिम फैमिली में थे, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी महेश्वरानंद जी भी पहुंच गए, मौलाना ने उनको देखा और कहा हमारे यहाँ खाना खाने के लिए आ गए इस प्रकार से। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि क्या खाना बनाया, महेश्वरानंद जी उनको कहा कि आपके लिए तो हम कुछ शाकाहारी बना लेंगे। तो महेश्वरानंद ने कहा कि नहीं, आप चिकन बिरयानी बनाओ। और श्री एम का ऐसा मानना है कि उसकी माँ ही जब पूरे विश्व भर में अच्छी चिकन बिरयानी बनाती है तो उसका यह अहम टूट जाना चाहिए, तो मैं खा लूंगा। तो ये महेश्वरानंद तो हिंदू है, उस जमाने में भी उनकी उम्र 200 से ऊपर ऐसी कुछ थी। और फिर भी ये जो हमारे मन में भेद होते रहते हैं, ये किस प्रकार का है और शाकाहार मांसाहार वगैरह के बारे में, यह हमारे संस्कारों का परिणाम इस प्रकार का। ठीक है, मुझे भी मांसाहार में रुचि नहीं है, फिर भी जो करने वाले हैं उनके बारे में मेरे मन में द्वेष नहीं होना है। विदेशों में काफी लोग जब वो योग पढ़ने लगे तो शाकाहारी बन गए, सभी जो योग टीचर्स हैं वो सभी शाकाहारी बन गए हैं। और शाकाहार में बहुत अच्छा भोजन आता है ये उनको मालूम ही नहीं है। तो मैंने जब उनको खाना खिलाया तो सभी बड़े प्रसन्न रहे, चाहे साइमन मरक्को की बात हो, ऑस्ट्रेलिया में, रीटा केदर्स जर्मनी में हो। जब मैं वहां जाता था तो मैं खुद ही खाना बनाता था और वो बहुत खुश रहते थे शाकाहारी खाने के बावजूद। तो ये बहुत सारे बरसों का, पीढ़ियों का संस्कार है। तो विष्ट इष्ट का परिणाम इतना तो गहरा नहीं होना चाहिए कि उससे तबीयत पूरी बिगड़ इस प्रकार की जाए, लेकिन फिर भी ये
समझ लेना जरूरी है। उसी प्रकार स्वप्न दर्शन जो है वो भी एक अलग चीज है। मैंने इसके बारे में बताया था कि पैनक्रियाटिक हेड का कैंसर था, ऑपरेशन के लिए सुझाव दिया था, लेकिन पहले केमोथेरेपी का निर्णय हुआ, लेकिन फायदा नहीं होगा उसका, बिगड़ती गई केस, फिर मेरे पास आए। तो मैंने दूध पे रखा, दवाइयां दी, इससे काफी रिलीफ हो गया और 6 महीने बहुत अच्छे निकल गए। 2-2.5 लीटर दूध जा रहा था, पेन नहीं था, ब्लड प्रेशर ऑल राइट था। फिर बाद में फिर से बिगड़ने लगा। तो मैंने काफी कोशिश की लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। 2 महीने के बाद मृत्यु हो गई। 2-3 बार क्योंकि पेशेंट की हालत बहुत बिगड़ गई थी, मैंने होम विजिट्स किए उस समय में। और फिर डेथ के बाद उसकी पत्नी ने मुझे सच बताया। मैंने कहा कि मुझे मालूम नहीं, पहले 6 महीने तो बहुत अच्छे निकल गए। तो ऐसा क्या हुआ कि ये इतने जल्दी डिटोरेट हो गए? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमारी लड़की की शादी निश्चित हो चुकी थी, लेकिन उनके तबीयत की वजह से हम डेट फिक्स नहीं कर पा रहे थे। जब आपकी दवाई शुरू हुई वो सुधर गए तो हमने वो अरेंज कर दिया, विवाह हो गया। उस विवाह से पूर्व इसके दोनों माता पिता कैंसर से ही मरे, वो सपने में आए। और फिर पिता ने कहा कि अब तुम हमारे पास चले आओ, और माँ ने कहा नहीं नहीं तुम्हारी लड़की की शादी होने वाली है, वो शादी करो करके, तो वो मना कर रही थी। शादी हो गई। फिर ये दोनों फिर से सपने में आए। अब दोनों कह रहे थे कि ठीक है अब तुम हमारे पास चले आओ, माँ भी कह रही थी। तो उस दिन से बिगड़ने लगे और 2 महीने में डेथ हो गई। मैंने कहा अगर आप मुझे पहले बता देते कि ऐसा कुछ हुआ है, इस प्रकार का सपना उन्होंने पहले देखा था, ऐसा सपना देखा होगा, तो मैं कुछ उसके बारे में कोशिश करता। ये सब डेथ होने के बाद उन्होंने बताया मुझे, जब मैंने छेड़ा कि मुझे मालूम नहीं ऐसा क्यों हुआ इस प्रकार से। तो ये स्वप्न दर्शन जो है इसको तो वैकारिक वगैरह नहीं कह सकते, इस प्रकार के सपने को ये सूचक स्वप्न है, थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन दुस्वप्न या भीतिदायक स्वप्न होते रहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा ऐसा है कि ये व्यास विरचित नवग्रह स्तोत्र वगैरह पढ़ने के लिए बताते हैं, तगर के पत्तों को चूसना इस प्रकार के बताते हैं, तो ये दुस्वप्न दूर हो सकते हैं ऐसा है। अरविंद कुलकर्णी ने एक अनुभव बताया था कि ऐसी छोटी लड़की थी 5-6 बरस की, और बहुत भयानक सपने आते थे और फिर जग जाती थी, और बताते कि कोई एक आदमी चुरा लेके मेरे पीछे दौड़ रहा है मुझे चुरा मारने के। इनको तो कुछ पता नहीं आया कि क्या करेंगे इसके बारे में। फिर एक होम्योपैथी डॉक्टर ने दवा दी, उसने कहा ये सिम्टम आया है एक किसी मेडिसिन में, ये चुरा लेकर कोई पीछे आ रहा है इस प्रकार, वो दवा दे दी और सपना बंद हो गया। तो हमें इन सभी के बारे में पता नहीं चलता, हे स्वप्न अगोदर कळले असते तर चिकित्सेबाबत काय विचार करावा करता आला असता, दुस्वप्न नाशन के हिसाब से कुछ कर सकते, या पितृतर्पण, इस सभी में हमें आगे भी पितृतर्पण करवाने के लिए कहता हूँ अमावस्या के लिए, उससे शायद
उनकी संतुष्टि हो जाती तो उनके विचार बदल जाते कि नहीं इसको जीना है इस प्रकार से। लेकिन ठीक है, लोगों को ऐसा लगता है कि ये इसमें पता नहीं कि क्या चीज है, सपने होते हैं। हमारे क्वेश्चनर में एक स्वप्न का बारे में मुद्दा है, और हम अगर पूछ लेते हैं उसमें, तो कुछ लोग बताते हैं कि इस प्रकार के सपने आते हैं। स्वप्न में नाग या सर्प दिखते हैं, ऐसे कुछ लोग बताते हैं, और फिर उनको मैं सुझाव देता हूँ कि काला सर्प योग, उसकी शांति करो, और वो करने से ये सपना निकल जाता है, ये भी देखा है। तो अनजाने में हमने किसी सर्प को मारा होगा पिछले जन्म में, तो भी ये बात हो सकती है। तो इसलिए काल सर्प योग की शांति करनी है, इस प्रकार से बताते। लेकिन स्वप्न दर्शन अगर है तो उसके बारे में जरूर सोचना है, पूछना है सपनों के बारे में, और फिर इसके आधार पर कुछ बातें करनी है। हम कुछ बता सकेंगे कि ये करो वो करो इस प्रकार से। तो ये आतुर परिप्रश्न है वो विद्या कि प्रश्न परीक्षा से ही इन सभी के बारे में पूछे। तो ये एक अहम मुद्दा है, हमारे बीच डायलॉग होना बहुत जरूरी है। ज्ञान बुद्धि प्रदीप है ना योना विशति योगिवत आतुर से अंतरात्मा आनंद सरोवर शिक्षित। ज्ञान बुद्धि रूपी प्रदीप से योगी के जैसे जो दूसरे के अंतरंग में प्रवेश नहीं करता, वो रोग चिकित्सा नहीं कर पा। तो यो यथा परितुष्यति तन्तथैव अनुवर्तेत पराराधन पंडिता, ये जो बात बताई गई है, पर जगस्य आशयम आलक्ष्य, कि उसका आशय क्या है ये समझकर यो यथा परितुष्यति तन्तथैव अनुवर्तेत, जो जिस तरीके से संतुष्ट होता है उसी प्रकार से उसको मनाना है। सभी जगह होगा नहीं होगा ये अलग बात इस प्रकार की है। बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि उनका समाधान किस चीज में है ये पता ही नहीं लगा, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं उसके बाद। आनंद उनका किस चीज में है ये कभी सोचा ही नहीं है, और फिर दुख करते रहते हैं, और खुद भी दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुखी कर देते हैं। तो इसमें से अगर कुछ अभिप्राय भोजन आदि इच्छा दृष्ट इष्ट शब्द न तो दृष्ट इप्सित प्रेक्षादि ग्रहण। आप तत्त चोपदेश न प्रत्यक्ष करणे न च अनुमान न च व्याधीन सम्यक विद्या विचक्षणा। तो ये बड़ी अजीब चीज है कि इसमें युक्ति डायरेक्टली बताई नहीं गई है। 11वें अध्याय में युक्ति के बारे में बहस की है, और वो परलोक की सिद्धि के बारे में उसका उसकी बहस की गई है, उसके बारे में बहस की। लेकिन यहाँ युक्ति के बारे में कुछ इस प्रकार का बताया नहीं है। सर्वथा सर्वमालोच्य यथा संभव अर्थवित अध्यवसित तत्वे च कार्ये च तदनंतर अथाध्यवसित तत्वे च कार्ये च तदनंतर। सर्वथा सर्वमालोच्य यथा संभव अर्थवित, अर्थवित जो प्रयोजन जानने वाला इस प्रकार का व्यक्ति है, वो सभी तरीके से सभी बात बातों के बारे में सभी चीजों के बारे में यथासंभव जो भी वहां पे पॉसिबिलिटीज है संभावना है ये सब देखकर आलोच्य अथ अध्यवस्थित तत्व तत्व फिर तत्व के बारे में निश्चय करें। कार्य च तदनंतर और उसके बाद में कार्य के बारे में निश्चय इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये आयुर्वेद की खासियत है कि सभी तरीके से
सभी बातों के बारे में विचार करे, विचार विमर्श करे और फिर कार्य प्रवृत्त हो जाए, तत्व निश्चय करे और फिर कार्य प्रवृत्त हो जाए। तो ये सर्वांगीण दृष्टिकोण या होलिस्टिक अप्रोच ये आयुर्वेद की खासियत है और एलोपैथी में फोकस अप्रोच इस प्रकार का है, किसी एक चीज पर ही ध्यान दे रहे हैं। और बहुदोष लिंगाने आवेदिका अशस्त्र स्वप्न दर्शन असे आयशोधन झालं ते कमी होऊ शकते, धातु साम्य लक्षणांमध्ये वैकारिकाण स्वप्नान अदर्शन असे आहे, सही है। तो अशस्त्र स्वप्न दर्शन बहुदोषों के जरिए भी हो सकता है और वो दोष निष्कासन उनका हो जाए, दोष निर्हरण हो जाए, तो ये इस प्रकार के अशस्त्र स्वप्न नहीं होते हैं। वैकारणिकावगान स्वप्नान अदर्शन, ये भी बात विमान स्थान आठवें अध्याय में कही गई है। तो स्वास्थ्य का लक्षण है इस प्रकार के वैकारिक दर्शन नहीं, स्वप्न नहीं दिखना, ये स्वास्थ्य का लक्षण इस प्रकार के बताया गया। और उसके बावजूद भी इस प्रकार के आदिदैविक आस्पेक्ट जिसमें है, इस प्रकार के भी सपने हो सकते हैं, रेयर होते हैं, तो उनके बारे में पहली बात ही इस प्रकार के सोचना है। कार्य तत्व विशेष ज्ञा प्रतिपत्तवन मुह्यति अमूढ़ फलम आपनोति यत अमोह निमित्त अनिमित्त। तो कार्य और तत्व दोनों विशेष रूप से जानने वाला, ये प्रतिपत्ति यानी कि उस समय में क्या करना है इसके बारे में ज्ञान होना, हर हालात में इस समय में यही सही है इस प्रकार का निर्णय कर पाना और उसके मुताबिक कार्य करना, ये प्रतिपत्ति प्रतिपत्तिज्ञता इस प्रकार की बताई जाती है। और ये युक्ति प्रमाण पर निर्भर है, बहुत सारे भावों का विचार करके अभी के हालात में यही सबसे उचित है इस प्रकार से सोचकर उस कार्य में जुड़ जाना, ये कार्य तत्व विशेषज्ञ इस प्रकार का रहेगा। और फिर प्रतिपत्ति के बारे में उसके मन में संदेह नहीं होता है कि अभी के हालात में यही सबसे अच्छा मार्ग है, उपाय है। अमूढ़ा फलम आपनोति यद अमोह निमित्त जन, पाठ भेद भी नहीं है यहाँ पे, आश्चर्य है। नहीं ठीक है, डबल नकार है। यद अमोह निमित्तजम फलम तद अमूढ़ा आपनोति, मोह से निर्माण नहीं हुआ, अमोह निमित्तज जो फल है वो अमूढ़ यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति नहीं है वो उसका फल प्राप्त कर लेता है। तो मूल को मोह से निमित्त, मोह के कारण निर्माण होने वाला फल मिलता है, अमूढ़ को नहीं मिलता है, अमूढ़ को अमोह निमित्त इस प्रकार का फल प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही बड़ा इस प्रकार का विचार है। कैंसर के बारे में मैंने जैसे सोचा था कि हमारी प्रतिकार क्षमता भेद नहीं कर पाती है, ये हमारे सेल्स करते हैं कौन से हैं और कैंसर के सेल्स कौन से हैं, और फिर उसके ऊपर हमला करना ये बात नहीं होती है। तो ये एक सेल्युलर लेवल पर मोह जैसा है और मोह को दूर करने के लिए मेदे रसायन की जरूरत इस प्रकार की है। तो ओपुकड़े की एक किताब है अपन सारे अर्जुन, तो जब मैंने शुरू का पार्ट उसमें पढ़ा तो वो बड़ा फैसिनेटिंग लगा। अर्जुन को जिस प्रकार से मोह हो गया था उसी प्रकार हम सभी मोहावस्था में हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है, स्थिति क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है और फिर मोहवश कुछ निर्णय ले लेते हैं।
और उसके दुष्परिणाम उनको फिर भुगतना पड़ता है। तो मोह से हम बाहर निकल आए, और जो चीज जैसी है उसको उस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे तो शायद ये बात बन जाएगी कि मोह से निर्माण होने वाले इस प्रकार के बुरे कार्य नहीं होंगे या दुखदायक कार्य नहीं होंगे, और अमोह निमित्त जो फल है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसके सभी के बारे में हमें सोचना है और सजग रहना है, हर पल हर क्षण सजग रहना है। तो हमें ये बात हो, ज्ञान बुद्धि प्रदीपेन योना विशति तत्व आतुरस्य अंतरात्मानं दशरोगं चिकित्सति। ये भी एक अहम सूत्र है कि ज्ञान बुद्धि दीप से जो रुग्ण के अंतर में प्रवेश नहीं करता तत्व जानने वाला व्यक्ति, दशरोगं चिकित्सति, वो रोगों की चिकित्सा नहीं कर सकता इस प्रकार से। तो हमें भली भांति जान लेना है कि क्या स्थिति है, और फिर उसके लिए उपाय किस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे उस लड़की के बारे में कहा कि जब तक वो पता नहीं चल रहा था कि ये दोनों माँ पिता अलग रह रहे हैं बहुत बरसों से, क्योंकि उनमें मतभेद इस प्रकार की है, तो मैंने पहले पूछा कि डिवोर्स की प्रक्रिया शुरू हो गई है क्या, तो बोले नहीं डिवोर्स की प्रक्रिया नहीं शुरू। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम उसके बारे में सोच लेना कि इस लड़की के लिए या लड़के के लिए ही सही हमें साथ में रहना है, बगैर झगड़ा झगड़ा करके रहना है इस प्रकार से। तो ये होगा तो वो लड़की अपने आप सुधर जाएगी। अगर यही उसका कारण है तो कारण को जब तक समझेंगे नहीं, दूर नहीं करेंगे, तब तक काफी मुश्किल इस प्रकार की बात हो जाएगी। तो आतुर से अंतरात्मा, इस प्रकार से हमें रुग्ण के मन में प्रवेश करना है, वो सब कुछ जान लेना है कि कैसा है क्या है इस प्रकार से, और तत्वों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। मैंने एक उदाहरण बताया था इस पहले भी, ये कैसी 55-60 बरस की औरत थी, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा था, भूख नहीं लग रही थी, नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी नहीं, 2 बरस तक सिलसिला चल रहा था। फिर मैंने कहा कि क्या कारण क्या हो शुरू में, तो कारण बड़ा अजीब था, उसके भांजे की मौत हो गई, वो शादीशुदा था, और बहू को अंतिम तिलक लगाते हैं प्रेत उठाने के समय, और वहां पे प्रचलन ऐसा है कि औरतें जब दूसरों को कुमकुम तिलक लगाती है तो अपने भी माथे पे लगाती है, लेकिन इस पर्टिकुलर अवस्था में केवल उसके माथे पर टीका लगाना है, अपने माथे पर नहीं लगाना है, ऐसी परंपरा। तो उसने गलती से या अपने जो प्रघात इस प्रकार का है उसके आधार पर उसको भी तिलक लगाया और अपने माथे पर भी तिलक लगाया, फिर बाद में उसे याद आया कि अरे रे ये ऐसा नहीं तो करना चाहिए था, और फिर उसके मन में बैठ गया कि बस अब मुझे भी वैधव्य आने वाला है, और फिर खाना पीना टूट गया, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होने लगा, नींद उड़ गई वगैरह। एलोपैथी में गए तो उन्होंने ब्लड प्रेशर की एक दवा, नींद के लिए एक दवा वगैरह ऐसे दे दी, उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, 2 बरस ऐसे ही झगड़ती रहेगी। तो जब मैंने ये सब किस्सा सुना तो मैंने कहा कि आपके घर को कई उपाध्याय आते हैं क्या, पूजा वगैरह पाठ बना लेने के लिए, गणेश पूजा के लिए या किसी किसी पूजा के लिए? बोलते हैं आते हैं, बरसों से वही आते हैं गिरीश।
तो मैंने कहा कि ठीक है, आप उनसे बात करिए और उनको बता देना कि ये मामूली दोष है, ऐसा उसे कहे और उसके लिए कुछ उपाय सुझाव दे दे, कुछ उपवास करे, कुछ जप करे वगैरह वगैरह, इसका से इससे शांति हो जाएगी और इसके बारे में आगे सोचना नहीं है, इससे ठीक हो जाएगा। तो आश्चर्य था कि उसका पति और उसका लड़का ये दोनों मेरे साथ झगड़ने लगे। बोले ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ऐसा कुमकुम टीका तिलक लगाने से क्या किसी की मृत्यु होती है क्या? तो मैंने पति से कहा कि आपको ऐसा बिल्कुल लगता है ना कि इसमें कुछ संबंध नहीं है, कि मेरे पत्नी ने बड़ी गलती की है, अब मेरी डेथ होने वाली है, ऐसा तो आप नहीं सोच रहे? बोले नहीं, बिल्कुल सोच नहीं रहा मैं इस प्रकार से। ठीक है कि आप अच्छे हैं इसलिए आप इस तरीके से सोच नहीं रहे, अगर आप भी इस तरीके से सोचने लगते तो बड़ी मुसीबत हो जाती। तो मैं भी समझता हूँ ये केवल साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये रूढ़ी से आया है और तुमने काफी कोशिश की है 2 बरस उसको समझाने की ये सब झूठ है, ये सब छोड़ दो, उसके बारे में सोचना बंद करो, अच्छे तरीके से खाना पीना खाओ तो सुधर जाओगी, लेकिन उसको तो ये मान्य नहीं हो रहा, वो समझ नहीं पा रही है इसको, और ना ही तुम रूढ़ी के अनुसार उसको कुछ जवाब दे रहे हो कि ठीक है ये रूढ़ी है, रूढ़ी से अगर गैर समझ इस प्रकार का निर्माण हुआ है तो रूढ़ी से ही वो दूर होगा, चाहे हम असत्य का अवलंब करें, उपाध्याय से बात कर रहा है क्योंकि वो उसको मानेगी हमें नहीं मानेगी। तो ठीक है, उसके भले के लिए कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार से। फिर भी वो बोले नहीं नहीं हमें इसमें कुछ विश्वास नहीं है, आप दवा दे दो। मैंने कहा दवा में देने वाला हूँ अलग चीज है, लेकिन वो सही दवा नहीं है, सही दवा जो मैं बता रहा हूँ वही सही दवा है, तो आप ये करो। मालूम नहीं क्या हुआ क्योंकि वो ऑफिस फिर से आए नहीं, उन्होंने क्या किया नहीं किया इस प्रकार से। लेकिन ये बात अलग इस प्रकार की है, जो सुझाव था वो सही था वास्तव में, उन्होंने नहीं किया या किया मालूम नहीं इसके बारे में, लेकिन जिस तरीके से ये गलत सहमी यहाँ निर्माण हुई है उन्हीं में जाकर उसका समाधान सोचना है, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। ज्ञान बुद्धि ज्ञान रूपी आणि बुद्धि रूपी प्रदीप ही वेगळी फोड आहे या समासाची। हाँ मैंने सोचा नहीं था इसके बारे में, तो मैं ऐसा समझता हूं कि ज्ञान ये हमें होता रहता है शास्त्रों से अनुभवों से वगैरह वगैरह, और तत्क्षण में जो बुद्धि होती है जो ज्ञान होता है वो बुद्धि रहेगी, वो शायद प्रत्यक्ष प्रमाण से होगी या किसी दूसरे तरीके से होगी। तो एक सहज वैध बुद्धि और वैनायक बुद्धि ये सूत्र स्थान में आया है, और दोनों अगर ठीक तरीके से काम करेंगे तो सही निर्णय हम कर पाते हैं। मुझे अभी सूत्र याद नहीं आ रहा, मैं ताभ्याम विषयक से ताभ्याम चिकित्सन नापराध्य, ये दूसरा श्लोक है, दूसरा दूसरी पंक्ति है। शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिरात्मा, शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम, शास्त्र जो है वो प्रकाश के लिए ज्योति है, दर्शनम बुद्धिरात्मा और आत्मा की बुद्धि ये दर्शन इस प्रकार का चक्षुरेन्द्रिय है। ताभ्याम विषयक सुयुक्त ताभ्याम चिकित्सन महापराध,
इन दोनों का अच्छा जोड़ है तो अपराध होने की संभावना नहीं है, गलती होने की संभावना नहीं है। तो ज्ञान जो है वो किसी भी तरीके से होने वाला ज्ञान इस प्रकार का है, और बुद्धि जो है वो हमारी सहज बुद्धि या तत्क्षण में उत्पन्न होने वाली बुद्धि, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अनुमिति हो या युक्ति से हुई हो, जो भी है इस प्रकार से। तो शास्त्र बुद्धि और हमारी बुद्धि सहज बुद्धि, इन दोनों के जरिए हमें जो ज्ञान होगा वो कारीगर इस प्रकार का रहेगा। तो ठीक है, अच्छा हुआ तुमने ये ज्ञान बुद्धि और ज्ञान और बुद्धि अलग अलग इस प्रकार के हैं इसके बारे में दिखाया। कपाल और कुंकू लावणी यासाठी काही शास्त्रीय संदर्भ आहे का? अन्य चक्राचा संदर्भ आहे का? कुंकू हळदी पसंद करतात त्याचा काही अर्थ आहे? इसके बारे में एक शास्त्र असे सांगते आहे करके एक किताब है, लेखक लिखा नहीं है, लेख इस प्रकार का मराठी में है किताब। और इन सभी परंपराओं के बारे में, रूढ़ी के बारे में काफी उसमें बहस की गई है, और उसके पीछे जो शास्त्रीयत्व है ये बताने की कोशिश की है। या ऐसा बताते हैं, कुमकुम जो है वो हल्दी से ही बनता है वास्तव में। अभी बाजार में जो मिलता है वो शुद्ध कुमकुम नहीं है, तो उसमें मिलावट है। और अगर आप पूछते हैं तो अलग शुद्ध कुमकुम मिलता है, और इसके ऊपर हल्दी के ऊपर ये चूने की प्रक्रिया करके ये कुमकुम बनता है, और आज्ञा चक्र से संबंध है ऐसा कुछ लोगों का कहना है। कुमकुम तिलक इस प्रकार से लगाना एक शुभ सूचक इस प्रकार का माना जाता है, और उससे कल्याण होता है इस प्रकार के माना जाता है। तो अभी इसके बारे में श्रद्धा वाले अंधश्रद्धा वाले दोनों आपस में झगड़ा करते रहते हैं ऐसा है। और परंपराओं को जतन करते रहना एक अहम मुद्दा है, खास करके ज्ञानम शास्त्र कृता बुद्धिया से वर्णन है, शास्त्र कृता बुद्धिया असा ज्ञान बुद्धिया शब्द सा अर्थ असा। तो वैनायक बुद्धि मैं जो बता रहा हूँ, शास्त्रम ज्योतिष प्रकाशार्थम, ये एक प्रकाश है। और दर्शनम बुद्धिरात्मना, आत्मा की जो बुद्धि है वो दर्शन वो चक्षु इंद्रिय है, तो दोनों साथ में हो गए तभी ज्ञान होगा। अगर प्रकाश नहीं है तो भी ज्ञान नहीं होगा, और शास्त्र बुद्धि नहीं है तभी भी ज्ञान नहीं होगा। तो शास्त्र से निर्माण हुई बुद्धि ये सिर्फ एक बुद्धि रहेगी, ये जो पीछे श्लोक आया है उसके आधार पर बताना बेहतर होगा कि ज्ञान और बुद्धि ये दोनों का दिया इस प्रकार, दोनों को दिया कहा गया है, लेकिन ज्ञान प्रदीप और बुद्धि प्रदीप इस प्रकार से। तो इसमें बहस हो सकती है। कुंकू केशर उगाळून लावणे अभिप्रेत असावे, केशरासाठी कुंकुम हा पर्याय ही आलेला आहे, नहीं बता सकते। ट्रेडिशन से केशर बहुत दुर्लभ है और काफी महंगा है, तो सभी समाज के लिए केशर नहीं इस्तेमाल में ला सकता, कुमकुम उसका पर्याय है केशर का, उसमें संदेह नहीं है। वो लाल वर्ण उसका जो है नैसर्गिक रूप से है, और ये लाल वर्ण चूना और हल्दी के संयोग से होता है, तो इसमें थोड़ा अंतर इस प्रकार का रहेगा। तो शायद हम उसमें ये डाल सकते हैं, कुमकुम में केशर डाल सकते हैं। अभी मैंने शीतल देशपांडे से सुना कि वो अम्बा महालक्ष्मी के मंदिर में उनके घर से अष्टगंधा है, कुमकुम क्या क्या गाते हैं, उसमें केवल कुमकुम नहीं है, बहुत सारी चीजें। तो यह हमें मालूम ही नहीं है इस प्रकार से।
लेकिन ठीक है, ये इसके बारे में जरूर सोचेंगे। तो आज दोपहर में मैं हमारी किताब गुम हो गई है योग सूत्र की। मैं पूरी कोशिश करूंगा ढूंढने की, अगर मिल जाती है तो आज शाम को जरूर होगा, 4 बजे एक बार कोशिश करो ज्वाइन होने के लिए योग सूत्र के लिए। अगर नहीं मिली तो मैं अगले हफ्ते तक रुकते हैं, लेकिन क्योंकि वही पढ़ना अभी आवश्यक है। तो चंदन तिलक तो भी कुमकुम तिलक संज्ञा है, ये शायद अच्छी हो सकती है, लेकिन रक्त चंदन भी अभी एंडेंजर्ड स्पीसीज में इस प्रकार के मिलता है रक्त चंदन फिर भी, लेकिन श्वेत चंदन, पीत चंदन और रक्त चंदन तीनों के गुण एक जैसे ही है ऐसा बताया गया है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित शल्य तंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन् निखिल जन कृपा व्याप्त चित्ते नयेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरति भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गोऽहिनुमं वैद्यवर्गोऽहिनुमं। विरम्यते व्याख्यानमापरम् चतुर्वादनावसरे अथवा प्रातः मिलिष्यामः, श्वः प्रातः मिलिष्यामः।